दोस्तों, अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको कभी भी पेट में गैस कब्ज नहीं बनेगा। आप वायु यानी कि वात रोग से कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपकी हड्डियों से कभी भी कटकट की आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, और भी बहुत सारे बीमारियों को ख़त्म करेगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर दो चीज़, एक तो है अलसी और दूसरा है सहजीरा। दोस्तों ये दोनों आपको बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। आप ये जो देख रहे हैं अलसी, इसका इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर नया इन्ग्रेडियंट दिख रहा होगा, वो है सहजीरा। दोस्तों ये है जो सहजीरा, ये नॉर्मल जीरा से थोड़ा सा अलग होता है। आप देखिए इसे बिल्कुल ही ध्यान से। दोस्तों ये सहजीरा हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को एक बार में ख़त्म करता है। इसी सहजीरे के इस्तेमाल से हम अपने वायु यानी कि वात रोग को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपने शरीर के लगभग लगभग 10 से 15 बीमारियों को दूर कर सकेंगे। इसे तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा यहाँ पर 1 चम्मच की मात्रा में इस सहजीरे को, और इसके बाद से आप ले लें 1 चम्मच की मात्रा में इस अलसी को। दोनों को आप तवे पर रख कर भून लें। भूनने के बाद से आप इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद से आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पाउडर, इसी का ये पीसा हुआ पाउडर है। ये पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा आपके शरीर के लिए। चलिए जानते हैं कि हमें इसे किस प्रकार से सेवन करना है, ताकि हम अपने शरीर के बीमारियों को दूर कर सकेंगे। इसे सेवन करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा यहाँ पर 1 ग्लास की मात्रा में पानी। आप यहाँ पर पानी नॉर्मल लें, क्योंकि आपने जो भी ये पाउडर तैयार किया है इसे बिल्कुल गर्म करके तैयार किया है। तो इसको 1 चम्मच की मात्रा में मिलाकर इस पानी में आपको पीने से सबसे पहले दूर होगा हड्डियों और जोड़ों से जो कटकट की आवाज़ आती है वो। अगर आपके हड्डियों और जोड़ों में कटकट की आवाज़ आती है, उठने बैठने चलने दौड़ने में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने में दिक्कत होता है, तो उन्हें ये बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। उसके लिए आपको 1 चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को ग्लास के पानी में मिलाकर पीना होगा सुबह खाली पेट। इसके बाद से है, अगर आप गैस कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म करता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत है, आपके सर में दर्द है, दांत में दर्द है, कोई भी ऐसे संबंधित समस्या है, तो वो सब स्टार्ट होता है पेट में गैस और कब्ज के होने से। अगर आप भोजन जो करते हैं पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, तब जाके वो आपके पेट के अंदर गैस कब्ज बनाएगा, और उसी गैस कब्ज के वजह से हमारे शरीर में लाखों रोग उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर गैस कब्ज को ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अगर आप गैस कब्ज में इस पाउडर को लेना चाहते हैं, तो आप गुनगुना पानी ले लें। गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को ऐड करें, और उसी पाउडर में आप काला नमक थोड़ा सा मिला लें। अगर आप ऐसा रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने पेट से गैस कब्ज से संबंधित सारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रोग हैं, जो आप इस पाउडर को इस्तेमाल करके और बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उठने बैठने चलने दौड़ने में किसी भी प्रकार के कोई भी काम करने में दिक्कत है, तो उन्हें भी ये बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। दोस्तों जो व्यक्ति बिल्कुल खाट में जकड़ चुका है, वो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका आपको इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।